शराब घोटाले में केजरीवाल 1 जून तक तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। एक तरफ तो वो चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं शराब घोटाले में उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। ईडी ने 200 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें केजरीवाल और उनकी पार्टी को आरोपी बनाया है। आज कोर्ट में सुनवाई में क्या होता है, इस पर नजरें रहेंगी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले से जुड़े पक्ष अगर अपनी दलीलों पर लिखित नोट जमा कराना चाहते हैं, तो वो 1 सप्ताह में कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को अगर नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाना हो तो वो ऐसा कर सकते हैं। वहीं सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा, हमें अरविंद केजरीवाल और हवाला ऑपरेटर्स के बीच हुई चैट मिली है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, इन्होंने अपने फोन नष्ट कर दिए हैं, हमें हवाला ऑपरेटर्स के पास से ये चैट हासिल हुई है।